बच्चों आज आपका टॉपिक है चूजी और बिल्ली। बुक है आपकी लिटरेचर हिंदी और पेज है आपका 27। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टॉपिक चूजी और बिल्ली चैप्टर 4। तो इसमें आपको बताया गया है कि दुष्ट लोगों के लोग जो होते हैं वो लालच देकर हमें नुकसान पहुंचाते हैं, परंतु ऐसे लोगों की बातों में हमें कभी नहीं आना चाहिए। जो प्यार का दिखावा करते हैं लालच की वजह से और हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। चलिए आते हैं। रानी मुर्गी के दूजे चूजे चार, था उनका आपस में प्यार। रानी दाना लेकर आती, चूजे चुन चुन खाते थे। रानी मुर्गी थी एक, उसके चार बच्चे थे और आपस में वो सब प्यार से रहते थे। जो रानी दाना लेकर आती थी, बच्चे उनको खाते थे। रानी जैसे ही गई बाहर, खटखट हुई दरवाजे पर, कहती मोटी भूरी बिल्ली, बच्चों मेरा घर है दिल्ली। वैसे जैसे रानी घर से बाहर जाती है, वैसे खटखट की आवाज़ होती है और वो बिल्ली जो है वो खटखट की आवाज़ दरवाजे पे करती है। कहती है मोटी भूरी बिल्ली है और कहती है बच्चों मेरा घर दिल्ली में है। अब देखते हैं। बड़ी दूर से आई हूँ मैं, खेल खिलौने लाई हूँ मैं, तुम सबको मौसी लग हुई हूँ, झूठ नहीं मैं सच कहती हूँ। कहती है बिल्ली, कहती है मेरा दिल्ली में घर है, मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाई हूँ, तुम सबकी मैं मौसी हूँ, झूठ नहीं कह रही हूँ। देखो अब दरवाज़ा खोलो, चलो मिठाई तुम सब खा लो, डरने की क्या बात है जब मौसी का साथ है। कहती है बच्चों दरवाजे खोलो, मैं तुम लोगों के लिए मिठाई लेकर आई हूँ और डरने की क्या बात है, तुम लोग मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए दरवाज़ा खोलो और मिठाई खा लो। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं नहीं चाहिए खेल खिलौने, नहीं चाहिए हमें मिठाई, चूजे चूचू करके कहते ला दो बस मौसी दो कुत्ते। अब वो क्या कहती है, चूजे कहते मौसी मुझे खेल खिलौने नहीं चाहिए, हमें मिठाई भी नहीं चाहिए। और चूजू जो चूजे बच्चे थे वो चूचू चूचू करके कहने लगे मौसी हमको मिठाई नहीं चाहिए, मौसी हमको खिलौने भी नहीं चाहिए, अगर आप ला सकती हो तो दो छोटे छोटे हमको कुत्ते ला दो। सुनते ही कुत्ते का नाम, समझी बिल्ली बिगड़ा काम, फिर तो भागी ऐसी बिल्ली, सीधे जा पहुंची वो दिल्ली। और कुत्ते का नाम जैसे उसने सुना बिल्ली ने, तो वो डर के मारे वहां से भाग गई। उसको लगा कि अब मेरा काम बिगड़ जाएगा, अगर कुत्ते आ जाएंगे तो मुझको खा लेंगे। अब वो सीधे इतनी तेज दौड़ी कि सीधे वो दिल्ली ही पहुंच गई। ओके बच्चों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी स्टोरी, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए और मुझे वीडियो बना के सेंड करिएगा। ओके।